चिल मिलाते गर्मी और देरी से आ रहे मानसून हो सकते हैं बीमारियों के कारण। भीषण गर्मी और देर से आ रहे मानसून के कारण हो सकती हैं कई बीमारियां। गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बरतें सावधानी। एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ देरी से आ रहे मानसून के चलते लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का किस तरह ख्याल रखें और क्या सावधानी बरतें, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आगरा में लगातार गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है और इस बार मानसून ने भी अब तक दस्तक नहीं दी है। इसके चलते आगरा के जिला अस्पताल के SIC ने बताया कि इस भीषण गर्मी में लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे डिहाइड्रेशन, डायरिया और पेचिस और बच्चों में रोटा वायरस नामक बीमारी हो सकती है। जिला अस्पताल में दरअसल हमारा सूरज सबसे ज्यादा गर्मी वाला दिन होता है, वो सूरज एकदम सिर पे होता है, छाया भी नहीं आती है। और अभी कुछ दिन पहले जो बारिश हो गई उससे भी मानसून का असर पड़ रहा है, वो रोक रहा है उसको, है ना। ये कहना चाहिए प्रेशर पॉइंट नहीं मिल पा रहे हैं इससे, इसलिए मानसून इसलिए लेट हो रहा है। और जब उमस में बीमारी ज़्यादा होती है, गर्मी लगती है, सर पसीना ज़्यादा आता है, तो शरीर को ढक के निकले और तरल पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम बीमारी से बचें। जिला यदि किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो तुरंत ही चिकित्सक को दिखाना चाहिए। जिला अस्पताल में सर अपनी जल की क्या व्यवस्था है, हवा कूलर पंखे की व्यवस्था हमारे यहाँ काफ़ी है सर, हमने कुछ किराए पर AC भी लगवाए हैं, कूलर भी काफ़ी लगे हुए हैं, तो हर जगह सर AC और कूलर की व्यवस्था करती है। सर पानी के लिए 4 प्लांट तो हमारे पहले से काम कर रहे थे, एक सप्तमी जयंती वालों को और ऑटो रिक्शा आता है, उसमें भी पीने के पानी का 4 प्लांट का पानी लेके आते हैं, उनका खाना भी आ गया है, मरीजों को सुविधा पूरी है जिला चिकित्सा। सर उमस वाली गर्मी से बीमारी किस तरह की पनपती है, क्या सबसे ज़्यादा हानिकारक रहता है? सर इसमें डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, कई बार देखा गया शरीर में कमजोरी आ जाती है, कई बार वायरल फीवर भी हो जाता है। तरल पदार्थों का इस्तेमाल कीजिए, बीमार होते हैं तो एकदम ही डॉक्टर को तत्काल संपर्क कर लें। ORS पैकेट हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो देते रहते हैं हम लोग, तरल पदार्थों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको भी। सर डिहाइड्रेशन के पेशेंट आ रहे हैं? पेशेंट आ रहे हैं, ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं आते हैं आजकल, जो पहले आया करते थे 15-20 साल पहले, तो भी मरीज समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तो जल्दी इस्तेमाल अपने आप ही चालू कर देते हैं। डायरिया का कोई केस आया तो? डायरिया क्या आ रहा है सर, रोटा वायरस निकल गया 2-3 दिन से, तो एक बच्चा मेरे जानने वाला बढ़ती है, उसका भी डायरिया कंट्रोल नहीं हो पाया, 40 घंटे से ज़्यादा हुआ, तो जल्दी रोटा वायरस 72 घंटे तक हो जाता है। तो सर अंदर एमरजेंसी में क्या इंतजाम में भर्ती, मरीज को भर्ती कर रहे हैं तो वहाँ पंखे और AC के क्या इंतजाम है? हमारे यहाँ AC काम कर रहे हैं सर, AD में जो है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।